बैंगन की सब्जी बनाने के लिए मैंने बैंगन अच्छी तरह से धो के लिए हैं। उसके मसाले के लिए एक कसा हुआ नारियल, प्याज, मूंगफली के दाने ये मैंने थोड़े तेल में तल के लिए हैं, और उसके साथ 5-6 लहसुन की कलियां, सूखी 2-3 लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और स्वादानुसार नमक लिया है। इसे हम दरदरा पीस के लेंगे और बैंगन काट के उसमें भर देंगे और एक 10 मिनट में उसे पकाएंगे। ये मसाला मैंने दरदरा मिक्सी में पीस लिया है और ये बैंगन मैंने डंडल के साइड से काट के लिया है। हमें काटने के बाद ये चेक करना है कि अंदर से का खराब है या नहीं है। डंडल से बाजू से ऐसे इसलिए काटा कि यहाँ पे ये अच्छी तरह से पक जाते हैं। अब ये मसाला हम बैंगन में भर देंगे। ये मसाला मैंने अच्छी तरह से बैंगन में भर लिया है। अब हम जीरा, राई और हींग का छोंक देंगे और इसमें 10 मिनट बैंगन पकाएंगे। लाजवाब बैंगन तैयार। इसमें मैं अब थोड़ा पानी डालती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा तेल लिया है, थोड़ा तेल गरम होने देते हैं। अब इसमें हम राई डालेंगे, जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे। बीच में हम इसको थोड़ा सा ऐसे मसाले में मिक्स करके वापस ऊपर ढक्कन लगा देंगे। हमारे बैंगन अब पक के तैयार है। अच्छा सा तेल उन्हें छूटा है। और अच्छी अच्छी वेजिटेरियन रेसिपीज़ सीखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।